गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रेसिंग हिस्ट्री थ्रू थाउजेंड ईयर्स, उसमें हमने कल ये पढ़ा था कि एक्चुअली में हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें कहाँ से मालूम चलता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे कि हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। तो हमने दो सोर्सेज उसमें पढ़े थे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ा था और एक लिटरेरी सोर्स पढ़ा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने पढ़ा था बुक्स हैं, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं और फॉरेन ट्रेवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनके द्वारा जो लिखी गई बुक्स हैं वो होती हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने पढ़ा था मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लिटरेरी में हमने पढ़ा था जो भी बुक्स हैं, ठीक है, या फिर फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने जो अपने किताबों के अंदर बताया है, ठीक है, उससे हमें मालूम चलता है कि हमारा इंडिया मेडाइवल पीरियड में कैसा था, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी तक हमारा इंडिया कैसा था, इसमें किस किस तरीके के चीज, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। देखिए हमारा जो प्रेजेंट डे इंडिया है इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था, बाद में इसको किस नाम से जाना गया। प्राचीन भारत की बात करते हैं, एंशंट इंडिया की हम बात करते हैं, उस वक्त जो इंडिया का नाम था वो सिर्फ भारत था, इसको हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से कोई भी नहीं जानता। जब अरब ट्रेवलर्स और अरब रूलर्स यहाँ पर आए, इन्होंने इसको नाम दिया हिंदुस्तान या हिंद, और बाद में जब पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने भारत को नाम दिया इंडिया। उसी से रिलेटेड हम चार पॉइंट्स इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन असॉर्टमेंट ऑफ डायलैक्ट्स, यानी जो भी हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग भाषाओं के अंदर हमारे यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग किताबों के अंदर और अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट देखिए, The term Hindustan was uttered by Minhaj Siraj, a recorder who wrote Persian for region around Punjab, Haryana and the ground amongst Ganga and Yamuna. सबसे पहले जो इंडिया का नाम हिंदुस्तान वो किसने दिया, Minhaj Siraj, ये एक पर्शियन पर्सन था, ठीक है, एक राइटर था जिसने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, अलग अलग बुक्स लिखी हैं और उन बुक्स में इंडिया को या भारत को हिंदुस्तान नाम दिया है। थर्ड पॉइंट देखिए, बाबर यूज टर्म हिंदुस्तान टू डिपिक्ट द सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग साइड इट्स वेराइड वेजिटेशन, ठीक है, बाबर जो उसने इस हिंदुस्तान टर्म को भारत के लिए क्यों यूज़ किया, एक तो इसके आसपास के जो पेड़ पौधे थे या नदियां थी उससे रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो धर्म फॉलो किया जाता था उससे रिलेटेड, ठीक है, और उसके अलावा जो नदियाँ जैसे इंदू और सिंधु नदी यहाँ पर बहती थी, उस हिसाब से बाबर ने भारत के लिए हिंदुस्तान वर्ड जो था उसको यूज किया। 14th सेंचुरी राइटर अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, 14वीं शताब्दी का एक राइटर है अमीर खुसरो, उसने सबसे पहले बार इंडिया के लिए वर्ड यूज किया हिंद। आप ये फोटो देख सकते हैं साइड में जिसके नीचे अमीर खुसरो लिखा है, ये जो अमीर खुसरो है ये भी एक पर्शियन राइटर था, इसने सबसे पहली बार इंडिया को हिंद नाम दिया, हिंदुस्तान दिया मिन्हाज सिराज ने, बाद में उसको बाबर ने भी यूज किया, थर्ड बार यूज किया उसको अमीर खुसरो ने और हिंदुस्तान की जगह उसने हिंद वर्ड यूज किया। हिंदी के अंदर जो परदेसी वर्ड है उसको डिपिक्ट किया गया था आउटसाइडर से या स्ट्रेंजर से, और इसी परदेसी को पर्शियन में क्या कहा गया, अजनबी कहा गया। ये दो फोटो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एक में तो लिखा हुआ है अमीर खुसरो, ठीक है, जिसके ये आप देख सकते हैं सफेद रंग का सफा सा बंधा हुआ है, ठीक है, पगड़ी सी बांधी हुई इसने, ये अमीर खुसरो है, और इसके साइड में जो फोटो है वो है बाबर की, ठीक है, जिसने भारत में मुगल अंपायर की नींव रखी। ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए आज तैयार किया था, ठीक है, आई होप आपको लेक्चर आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।